आपसे शेयर नहीं करूंगा, खुशी शेयर करूंगा क्योंकि आज आप खुशी का माहौल में आए हुए हैं। लेकिन आज के इस सर्वश्रेष्ठ दिन में मैं अगर चाहूंगा सबसे पहले कि मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर, अपने माता पिता एवं हम अपने सभी गुरुजनों जो हमारे फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज परमपिता परमेश्वर की वजह से आज मैं इंसान बन के आपके सामने खड़ा हूं। माता पिता जिनके बेहतर संस्कार की वजह से आज आपके सामने अजय डायमंड, आज एक बेहतर संस्कार के कारण आप सभी लोगों के साथ जुड़ने का मौका, आप सभी लोगों के साथ फैमिली बनाने का मौका मिला एक अच्छे संस्कार के कारण। तीसरा, हमारे सभी फ्रंट लॉ में जितने भी सारे गुरुजन बैठे हुए हैं उन सभी गुरुजनों का चरण स्पर्श मैं करता हूं कि आज इन्हीं सारे गुरुजनों के माध्यम से अपनी जिंदगी के बीच, अपने जिंदगी के रूप में आज के डेट में इतिहास लिखने का मौका मिला। मात्र इसी गुरुजनों के माध्यम से इस बिजनेस को देखने का मौका मिला और आज के डेट में इतिहास लिखा गया दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं सामने हूं तो दोस्तों मैं अगर बात करूं इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले तो जैसा कि मैंने यहां आपने देखा मेरा नाम अमन कुमार है और बेसिकली मैं रहने वाला बिहार में ही एक शहर है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक छोटा सा कस्बा है ताजपुर, बेसिकली मैं रहने वाला वहीं का हूं। वैसे की अगर बात करूं तो आज के डेट में हमारा अपना खुद का दवा का दुकान है जो उसी शहर में है जो हमारे फादर पहले देखा करते थे, आज हमारा छोटा भाई देखा करता है उसको। अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद जैसे सब लोगों की इच्छा होती है वैसे हमारी भी इच्छा हुआ करती थी कि मैं भी पैसे कमाऊं, क्योंकि हम जिस माहौल में थे वहां हमारे दोस्त हमारे जो फ्रेंड्स थे वो हमारे साथ, मैं तो गरीब था लेकिन हमारे दोस्त कहीं ना कहीं सारे के सारे पैसे वाले थे तो हमारा भी शौक हुआ करता था कि उनके कहने के सारे सारे शौक हैं वो सभी शौक मेरे भी पूरे होते। पैसा कमाने का तरीका पता नहीं था। मैं अगर बात करूं तो पढ़ाई के बारे में जनरल ग्रेजुएशन पास आउट हूं, शुरुआत से ही घर के लोगों ने सॉफ्टवेयर में ये डाल दिया कि नौकरी आज के डेट में मिलती नहीं है तो छोटे छोटे ऑप्शन मैंने तलाशने चालू कर दिए। 2008-2009 मैंने मोबाइल वाले का भी बिक्री किया, मोबाइल वाले मैंने बेचा, उसके बाद मैंने वीडियो कैमरा वगैरह मैंने चलाए हैं उसका तुम सारे चीजों से। लेकिन आज मैं अगर बात करूं दोस्तों तो मैंने जितने भी सारे के सारे काम किए हैं, लोग काम तो लगातार करते हैं लेकिन उस काम को अंजाम अगर उस काम में अंजाम नहीं मिलता है तो लोग फिर से बैक हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा हूं दोस्तों जो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार अगर हमने काम किया है तो सिर्फ आगे की तरफ काम किया है, पीछे हमारा क्या गया ये हमने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं आज यहां खड़ा हूं दोस्तों। छोटे छोटे बहुत सारे काम हमने किए, वीडियोग्राफी हमने किया, साथ में वीडियोग्राफी करते वक्त मैंने जिम भी चलाए लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली, फिर गाड़ी किराए पे लेके क्योंकि पैसा कमाने की चाहत थी। और हमारा मैं अगर बात करूं खुलकर तो हमारा फादर के साथ बिजनेस करने में मेरा इंटरेस्ट जगता नहीं था क्योंकि मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था, मेरी एक अलग, मैं चाहता था कि मेरी एक खुद की एक अलग पहचान हो और मैं लगातार फादर के ट्रैक से अलग हटकर के लगातार मैं काम किया जाता था, किया चलता चला गया लेकिन सफलता बहुत नहीं मिली। एक आध बार पापा से कुछ बात भी बहस भी हो चुकी क्योंकि मैं कुछ अलग काम ही करता था लेकिन थोड़े बहुत पैसे मैं कमा लिया करता था तो कुछ बातें जो है पापा की मैं आज आपसे बताऊंगा। पापा ने मुझे एक बात कही थी और बहुत बड़ा था दोस्तों कि इस दुनिया में पैसा कमाने के तरीके तो बहुत है लेकिन सम्मान के साथ पैसा कमाने का तरीका मात्र कुछ कम ही है, ऐसा मेरे पापा ने बोला था और उस दिन मुझे समझ में आया कि पापा सही बोल रहे हैं, सम्मान के साथ पैसा कमाने का मतलब ही कुछ और होता है। और लास्टली मैंने यह डिसीजन लिया क्योंकि मेरे फादर का दवा का दुकान था और मैं लगातार वो काम करे तो लास्टली मैंने यह डिसीजन ले लिया कि मैं अपने पापा के साथ ही काम करूंगा क्योंकि वहां पैसा भी है और सम्मान भी मुझे मिलता है। आप लोग जानते हैं दवा दुकानदार को सम्मान मिलता है, मेरे फादर प्रैक्टिशनर हुआ करते थे और एक अच्छा सम्मान भी उनको मिला करता। लास्टली मैंने डिसीजन किया कि उसी बिजनेस को लगातार करूंगा। 2012 में ऐसे मैंने अपने दुकान को संभालना स्टार्ट किया, 12 बीता 13 बीता अच्छी खासी चल रही थी लाइफ लेकिन फिर भी जैसे
वो 45 साल में ऑप्शन ढूंढा करते हैं, है ना? वो ऑप्शन ढूंढा करते हैं तो लगातार लोग 60 से 65 साल की उम्र में भी मैंने लोगों को देखा है कि अगर किसी भी फौज से रिटायर है या कहीं से भी रिटायर है तो वो अपने रिटायरमेंट को घर पे बैठ के जाया नहीं करने के बावजूद वो ये चाहते हैं कि मेरी किसी गार्ड की नौकरी किसी बैंक वगैरह में लग जाए, है ना? तो मैंने लगातार ऑप्शन तलाशता रहता था कि कहां से अच्छे खासे पैसे मुझे मिल जाए और मेरा सम्मान भी बना है, सब कुछ मिलता रहा। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर अपने मन में जो भी चाहते हैं, ऐसा मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी का डायलॉग था, मैं बताऊंगा आपको कि आप जो भी अपने दिल में चाहते हैं पूरी कायनात आपको उसको अपने के पास लाने में आपकी मदद करती है, आया ना? ऐसा मैंने देखा था। मैं सोच ही रहा था कि अचानक से एक देवदूत पहुंचते हैं। शुरुआत उस देवदूत को कोई पसंद नहीं करता, पहुंचते नहीं है। सबने फोन किया था मुझे, तो सबने मुझे फोन किया कि अमन जी आपसे मुलाकात करनी है, मैं चाहूंगा जब मैं उस शख्सियत का नाम लू मैं चाहूंगा रिस्पेक्ट से सर के लिए अभिनंदन में जोरदार ताली होनी चाहिए, मिस्टर शुभकाल कुमार सर के लिए जोरदार। लेकिन मजबूर में फिर देना पड़ा दोस्तों। लेकिन
सर ने मुझे बताया कि अब आप उस बिजनेस के लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि एक तो इधर लगाना होता है और एक तो इधर लगाना होता है, ऐसा बोलते हैं है ना। तो हमने एक इधर वाले इधर लगाने वाले दो लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। हमने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया कि भाई देख, मैंने एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन किया है जिसमें 8,000 का सामान खरीदना है, एक इधर लगाना है और एक इधर लगाना है, फिर वो दोनों दो दो लगाएगा और फिर वो दो दो लगाएगा, ऐसे करके दो दो लगाने के बाद उस समय 8,190 की टीम पुरानी होती थी। जिस दिन 8,190 का टीम पुर जाएगा, महीने का 8,00,000 तुम्हारे घर में और महीने का 8,00,000 हमारे घर में। क्या लगता होगा कि विजय समाज से फैन कर सकते हैं? और ऐसा ही हुआ। उसने मुझे सीधे शब्द में बोला, तुमने पैसा दे दिया? हमने कहा पैसा दे दिया। बोला आदमी चला गया? हमने कहा आदमी भी चला गया। बोला आदमी भी चला गया? उसने बोला कहां का व्यक्ति था? हम जानते नहीं है। उसने बोला मुझसे, ना आदमी को जानते हो, पैसा भी दे दिया और बाद में फोन करते, पहले मेरे से राय मशवरा लेना चाहिए था तुमको। ऐसा उन्होंने मुझे बोला, पहले से मेरे से राय मशवरा लेते। मैंने बोला ठीक है, अब वो राय मशवरा दे। तो बोला कुछ नहीं, अगर रास्ते में है तो फोन करो और फोन करके पैसा ले लो वापस। मैंने सबको फोन किया था कि सर हो सके अगर तो मेरा पैसा आप रिफंड कर दे। तो सर ने, चूंकि पैसा मिलने के बाद में पैसा रखता है क्या पॉकेट में? नहीं रखता, पैसा तुरंत ट्रांसफर। सर पैसा भेज दिया और सर ने मुझे बोला था, देखिए आपका पैसा चला गया, अब आएगा तो प्रोडक्ट आएगा। मैंने ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने दोस्त को फोन किया कि देख भाई, अब तो वो बोल रहे कि प्रोडक्ट आएगा। तो बोला आदमी पहचानता है? बोला नंबर के जगह नंबर से बात तो हुई थी। तो उन्होंने, उसने मुझे बोला, जब उसको एक बात बोल, चूंकि ताजपुर के रहने वाले थे हम, तो थोड़े से जवान लगते हैं, लगते ही नहीं लगते हैं, और खून गर्म होता है, होता ही नहीं होता। तो खून गर्म था, तो सबसे बात हुई। सर को बोला सर अब ताजपुर तभी आइएगा जब हमारा पैकेज आ जाएगा। मैं बताओ, ताजपुर तभी आइएगा जब हमारा पैकेज आ जाएगा। और संयोग मैं बताऊंगा आपको, दोबारा जब सुल्तान सर से मेरी मुलाकात हुई तो पैकेज लेने के बाद ही मुलाकात हुई, उसके बीच में कहीं मुलाकात हमारी नहीं हुई। और वो पैकेज हमने लिया, लेकिन पैकेज देते समय सर ने एक काम बहुत अच्छा किया था। सर ने दोबारा मुझे बताया कि अमन जी ये है आपकी आईडी, और देखिए इस आईडी के नीचे 6-7 लोग हो गए, अब इधर भी एक करिएगा तो 1,000 मिलेगा, इधर एक करिएगा तो 1,000 मिलेगा, एक करिएगा तो 1,000 मिलेगा। ऐसा सर ने मुझे, हमारे ही दुकान के बगल में एक होटल था, वहां सर ने मुझे बताया था। मैंने बोला ठीक है, ये जोगा तो बहुत बढ़िया है, अब एक एक लगाने के बाद अगर 1,000 मिलने लगे तो काहे नहीं एक लगा लेंगे, लगा लेंगे। लेकिन फिर हुआ, हमने सर ये काम हो जाएगा आराम से। तो उस समय बिजनेस हमने जब ज्वाइन किया था तो 350 रुपए का, 350 रुपए का फॉर्म आया करता था। सर ने मुझे 3 फॉर्म दिया था, आज मैं सर को याद दिलाता हूँ, आज तक सर को मैंने उस 350 रुपए का 3 फॉर्म का पैसा वापस नहीं किया। मैंने पैसा वापस, चूंकि उस समय पता ही नहीं था कि 350 रुपए का फॉर्म भी होता है, मुझे तो लगा पेपर है इसमें डिटेल लिखना है, हमको थोड़ी पता था कि 350 रुपए का फॉर्म भी है। और हमने वो फॉर्म लिया, हम फॉर्म कहां गया, किस कचरे में गया पता नहीं। और बताओ फॉर्म तो गया गया, हमारा सारा का सारा आदमी जिस पर मुझे भरोसा था, विश्वास था कि मैं जिसको जाऊं और वो तुरंत इधर जुड़ेगा, और मेरे घर में 1,000 फिर 1,000 फिर 1,000 फिर 1,000 सारे 1,000 वाले को मना कर दिया कि भाई तुझको करना है तू कर, मुझे काम नहीं करने। और मेरे जितने भी सारे के सारे दोस्त थे, वो सारे के सारे दोस्त मेरे से कटने लगे, सारे के सारे दोस्त मुझे कटने लगे। और मार्केट में एक कहानी स्टार्ट चल रही मेरी नाम पे, जब चार दोस्त यार मिलकर बैठ के बात होते तो बात होती है, तो ऐसे ही मेरी बात की चर्चा होती थी। तो कुछ दोस्त थे जो करीबी थे, तो मुझे ढूंढा करते थे। तो मैं आज भले ही आपके सामने अमन कुमार हूं, लेकिन पहले क्या अगर बताऊं तो हमको लोग अमना बोलते थे। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, हंसना नहीं, अमना बोलते थे। तो हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे बोला आजकल अमना को नहीं देखते हैं। तो उसी में से कुछ जो हमारे सुचिंतक थे, उन्होंने कहा कि देख भाई आज उसको कोई आकर के एरा बना दिया है, उसको एरा बनाने का अगला था है पेड़ा अमना।
जमीन उनका भी काम किया करता था और हमारी सबसे कनेक्शन छूट गई। बिजनेस को शुरुआत ज्वाइन करने के बाद 5-6 महीने के बाद मैं अगर बात करूं तो हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्सियत से, वो शख्सियत भी हमारे लिए अंजाम हुआ करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अगर बात करूं आज के डेट में तो मैं आपके सामने आज अगर खड़ा हूं और इस माइक को हो सकता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपके सामने मैं अगर अच्छी अच्छी बातें आज अगर कह रहा हूं तो सिर्फ उस एक शख्सियत है जिसके मैं नाम लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सबके सम्मान में जोड़ रहा था मिस्टर रवि कुमार सेठा सर। आती थी
कि हम अपना तपस्या छोड़ दें, फिर हजार दो हजार की बनी टीम, फिर आगे मोहिनी आकर के डांस दिखाना चालू कर दे। अब कुछ ऐसे थे जो अगर भगवान से मिलने की तपस्या करते थे और उनको अगर मोहिनी का डांस अच्छा लगे तो भगवान से मुलाकात होगी क्या? होगी क्या? अब वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोहिनी का डांस देखना पसंद करते हैं, जिनसे ऊपर वाले की जिनको ऊपर वाले से मुलाकात नहीं होती। मैंने कमिटमेंट किया था, मैंने अपनी नजरें कभी नहीं खोली चुकी मोहिनी को हो गए, लगातार डांस किया, लगातार पिछले चार पांच सालों से डांस ही कर रहे हैं, और वो मोहिनी के रूप में कोई और नहीं, आप ही के इधर वाले लोग और आप ही के इधर वाले अड़ोस पड़ोस के आपके खास मित्र दोस्त यार जो होते हैं, रिलेशन रिलेशन वाले जितने के सारे सारे दोस्त होते हैं, वो सारे के सारे आपके सामने मोहिनी बन के आते हैं, और उन लोगों ने आकर मेरे सामने डांस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने दोस्तों अपनी नजरें नहीं खोली, क्योंकि नजरें महिलाओं में टिकी, नजरें टिकी हुई थी इस सेल्स ऑफ जैसी कंपनी पे जिससे जुड़ के आज के डेट में हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, यहां पर टिकी हुई थी, इसने हमें तपस्या नहीं छोड़ा दोस्तों। लगातार काम करता चला गया, लगातार काम करता चला गया, टीम अच्छी चली, बहुत अच्छी चली, लोगों ने साथ भी दिया, लोगों ने सपोर्ट भी किया, लगातार गाइडलाइन में काम करता चला गया, लेकिन एक जगह ऐसा आया जहां लगा कि मुझे अभी बिजनेस नहीं हो सकता, और वहां से हमारा हार्ट एक ऐसे शख्सियत ने थामा, क्योंकि जहां पर लग रहा था कि अभी बिजनेस मेरे से नहीं होने वाला, सर से मेरी दोबारा मुलाकात हुई और एक ऐसे शख्सियत ने मेरा बिजनेस का हाथ थामा। मैं अगर बात करूं तो आज मैं यहां एज ए डायमंड अगर हूं तो सबने ही मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया था, और आज मैं अगर बात करूं तो एक लेवल से सबने मुझे उठा करके इस स्टेज तक पहुंचाया है, वो नाम कोई और नहीं सिर्फ एक शिक्षक मिस्टर शुभकांत कुमार सर, मैं चाहूंगा सर के सम्मान में जोड़ रखा जाए। मैं एक बात बोलूं, अरे ऊपर वाले के लिए नहीं, कम से कम अपने गुरुजन के लिए तो ताली दमदारी से बताया ये। गुरु भले ही हमारे नजरों में बड़ा हो या ना हो, लेकिन आपको जरूर बड़ा बना दे सकता है, आज मुझे बना दिया है उसने, और हमारी नजरों में बहुत बड़ा गुरु है, इसके लिए मेरी ताली काफी नहीं है हमारे गुरु के लिए। जो आज मैं चढ़ के बिजनेस को करता हूं दोस्तों। अच्छा, आठ लाख आपके लिए छोटी होगी, लेकिन मैं जब लेके आया था तो हमारे गांव में मुखिया जी सिर्फ कार चढ़ा करते थे दोस्तों, मुखिया जी चढ़ा करते थे, और वहां पर मैं कार खरीद के लाया था, तो वहां से फिर अचीवमेंट होने लगे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो होने लगी, लेकिन सर की कुछ ऐसी बातें थी जो सर ने बताया था मुझे, सर ने एक आध चीज ऐसी बताया कि बिजनेस को ज्वाइन कराते समय यहां से सपने पूरे हो सकते हैं, यहां से सारे के सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं, लेकिन मैं आज इस स्टेज के माध्यम से कहता हूं दोस्तों कि अगर लोग आपको यह बोलते हैं कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपके सारे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं तो आप गलत हैं। मैं इस स्टेज के माध्यम से यह कह सकता हूं कि आपके सपने में जो सपना नहीं आता है वह सारी की सारी चीजें यहां से पूरी हो सकती है, वह सारी की सारी चीजें यहां से पूरी हो सकती है। लगातार काम करता चला गया, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। आज मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हमारे लाइफ में आए, आज अगर बात करूं तो घड़ी जूते बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो मुझे पता भी नहीं था कि कितने महंगे महंगे होते हैं, आज देखने का मौका मिलता है। पहले जिस माहौल में रहता था वहां बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलता था। मैं अगर बात करूं तो पैसा और सम्मान कमाने के बाद अगर इस बिजनेस ने मुझे कुछ और दिया है तो इस बिजनेस ने मुझे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड टूर कराने का भी जिम्मेदारी उठा रखा है, इसलिए मैं चाहूंगा दोबारा इस कंपनी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इसी साल की मैं अगर बात करूं तो कोई इंसान ऐसा होगा जो चार से पांच साल या दस साल में एक आध बार देश या विदेश जाने की सोचता होगा। मैं अगर बात करूं 2019 की दोस्तों, चूंकि मैं हम लोग अभी किसी मीटिंग्स में थे तो सबसे ही मुलाकात बातचीत हो रही थी, तो सबसे एक बातचीत ये हुई थी
कि अभी हम लोग 22-23 जनवरी को गए थे यूरोप घूमने के लिए, और जैसे ही मैं यूरोप घूम के आया तो हमारी फ्लाइट की टिकट रशिया की बनी पड़ी थी 2019 में ही, यह दूसरा भी विदेश हो गया। अभी मैं अगर बात करूं तो आपके सामने से यहां से मैं डायमंड टर्न पे होने जा रहा हूं, और अगले 24 तारीख को मैं इसी विदेश के माध्यम से थाईलैंड भी घूमने जा रहा हूं। और वहां से आऊंगा भी नहीं कि अक्टूबर में 9 तारीख का हमारा फ्लाइट का टिकट बना हुआ है, इसी विदेश के माध्यम से स्पेन भी घुमाने लेके जा रही है। और मैं आपको बताऊं, मैं जैसे ही वहां से आ रहा हूं तो सब लोगों के साथ प्रोग्राम डेट फाइनल है, लेकिन बहुत जल्द इस विदेश के माध्यम से यूएसए भी घूमने जाऊंगा दोस्तों, यूएसए भी घूमने जाऊंगा। सब कुछ मिला, पैसा भी मिल रहा है, लाखों की इनकम, सम्मान भी मिल रहा है, आप जैसे लोगों के साथ जुड़ने से इतना बड़ा सम्मान मिलता है। मैं चाहूंगा यहां से तो आप सभी लेके लिए दमदार ताली नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली आप सभी को अपने लिए बजा लें। लोगों ने यहां अपनी मौजूदगी में